वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट शो AEW डायनामाइट होमकमिंग शुरू होने वाला है। और क्योंकि AEW का आज वाला डायनामाइट शो AEW के उनके होम अरीना डेली प्लेस जैक्सनविल में करेगी, तो गाइस इसीलिए इस चीज को लेकर काफी सारे रूमर चल रहे थे कि आज यहां पर होमकमिंग के ऊपर AEW के ऊपर पॉसिबली कोई बड़ा डेब्यू हो सकता है। और गाइस यहां पर AEW के अंदर कौन से रेसलर डेब्यू कर सकते हैं, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। वेल वैसे तो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट है जो AEW में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से ओपन है, और सबसे ज्यादा चांसेस सासा बैंक और मर्सिडीज मून की है। बट गाइस सासा बैंक के अलावा WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है, और वो चाहे तो AEW के होमकमिंग पर डेब्यू कर सकते हैं। बट गाइस डॉल्फ जिगलर के अलावा मैट रिडल और मुस्तफा अली जैसे रेसलर भी AEW में आज चाहे तो डेब्यू कर सकते हैं। और अगर यहां पर AEW रिसेंटली रिलीज हुए रेसलर को नहीं लाते गए तो गाइस गोल्डबर्ग और रायबैक जैसे पॉपुलर रेसलर इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री में पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो वो यहां पर गोल्डबर्ग और रायबैक को भी ला सकते गए। वेल गाइस फिलहाल मुझे तो इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती गए कि AEW के इतने छोटे अरीना में होम कमिंग के ऊपर टोनी खान कोई बड़ा डेब्यू कराएंगे। बट गाइस अगर आपको क्या लगता है टोनी खान कोई डेब्यू कराते गए तो वो डेब्यू डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली, मैट रिडल, गोल्डबर्ग और रायबैक में से किसका डेब्यू होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।